कभी आपने सोचा है कि दिवाली पे ही हम सारी डीप क्लीनिंग क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि दिवाली के मौके पे ही जो यूजलेस सामान होता है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो सब निकालते हैं? साल भर क्यों नहीं? तो इसी थॉट को लेके आज का वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड्स, और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो बहुत सिंपल है, लेकिन जिनसे हमारे घर में हमेशा खुशहाली, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जिसे हम लक्ष्मी जी भी कहते हैं, धन, सब कुछ बना रहेगा, और तो और प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ हमेशा फ्लरिश करेगी। और ये प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनाई है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं लता सबरवाल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टीवी और फिल्म की दुनिया में इतना सारा प्यार आपने मुझे दिया, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे इतने प्यार के साथ एक्सेप्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप ये चीजें करके देखिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको घर की जो एनर्जी है उसमें फर्क महसूस हुआ कि नहीं। तो शुरुआत कीजिए फ्रेंड्स यहाँ से कि आप अपने घर को बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए। मतलब जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि अरे शायद ये इस्तेमाल में आ जाएगा, शायद, वो शायद के बेसिस पे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो किचन के डब्बे हो, चाहे वो बहुत सारे कपड़े हो, पुरानी ज्वेलरी हो, पुरानी बंद घड़ियां, खास करके ये सब चीजें बिल्कुल भी मत रखिए, एकदम निकाल दीजिए। कपड़े भी क्या होता है कि एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। हाँ, साड़ीज वगैरह जो एवरग्रीन है उन्हें रख लीजिए, लेकिन बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हम सोचते हैं इस्तेमाल में आएंगी लेकिन नहीं आती, वो एक एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। स्टेप नंबर टू, लेट मी शो यू द आउटसाइड ऑफ माय हाउस। तो ये हमारे घर का जो है वो बाहर का पोर्शन है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये है जो घर जहाँ मैं रहती हूँ, और ये मेरा स्टूडियो है वेयर मम्मा ऑल्सो स्टेज नाउ, आप लोग जानते ही हैं। तो बाहर का एरिया जो है हमको बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, पहले बहुत बड़ा सा बैम्बू का प्लांट जैसा था जो कि ख़राब हो गया था, मैंने वो सब हटवा दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है ये प्लांट डेकोरेट किया है, एंड ऊपर एक लाइट हम लोग ने लगवाई है सो दैट थोड़ा सा लिटअप रहे एंट्रेंस। इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे थोड़ा डेकोर करना है अभी, जो कि हुआ नहीं है। सो फ्रेंड्स, द मेन पॉइंट इज कि जो भी हमारी एंट्रेंस है घर की, अगेन वो क्लटर फ्री होनी चाहिए, कुछ पुराना सामान वगैरह नहीं रखा होना चाहिए, ताकि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, सब जो है हमारे दरवाजे से हमारे घर के अंदर आए। एंड हो सके अगर तो जैसे हल्का फुल्का सा मैंने डेकोरेट किया है या सोच रही हूँ करने का, वैसा डेकोरेट कर ले उसे। तो नेक्स्ट मैंने सोच रखा है कि जब कभी मैं डेकोरेट करूँगी तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। स्टेप थ्री ये है फ्रेंड्स कि रोज़ हमें सारी खिड़कियाँ, दरवाजे एकदम खोल देने चाहिए, पीछे कर देने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि धूप घर के अंदर आए। और कई बार हमारे घर इस तरह से बने होते हैं कि धूप नहीं आ सकती है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि हवा, क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो, क्योंकि वो भी स्टक अप जो एनर्जी है ना वो हटा देती है, पूरी नेगेटिविटी हटा देती है। और अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हैं, ऑफिस खरीदने जा रहे हैं या फिर रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि धूप, हवा, ये सब वहां पे आए। कई चीज़ें क्या होता है फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, जैसे कि हमारे घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना। सफाई एक ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड्स, अगर आप खूब अच्छे से घर को साफ करेंगे, साफ रखेंगे हर चीज़ को, हर जगह को, तो अपने आप ही जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा बना रहता है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं, घर में धन धान्य रहता है, हमेशा खुशहाली रहती है, अच्छी सेहत रहती है। सफाई को लेके कुछ बात आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। मैं सच कहूँ तो कुछ टाइम से बहुत परेशान थी, क्योंकि हमारी हेल्प्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली आ नहीं रही थी। कभी गांव चली जाती थी, कभी छुट्टियाँ ले लेती थी। आप में से जो जो महिला इस चीज़ से थोड़ी परेशान है ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, लेकिन मुझे उनका भी पक्ष समझ में आता था, क्योंकि ठीक है उनकी भी एक अपनी ज़िंदगी है, हम किसी को फोर्स करके अपने साथ बांध नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें इंडियंस को तो हमें आदत पड़ी हेल्प की भी ज़रूरत है, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों की मदद ली जाए, जैसे कि गैजेट्स हो गए जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बना दें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने कुछ खरीदा है जो मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है वो। तो फ्रेंड्स मैंने एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर लिया है। तो फ्रेंड्स ये अगारो का है, अगारो का सुप्रीम कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने अगारो का इसलिए मंगवाया क्योंकि इनकी काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इनका एयर फ्रायर, मैं उसकी फ़ैन हूँ एकदम, एंड इनका जो है एयर प्यूरीफायर वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड जो पूजा जोशी हैं, जो वर्षा बनती थी ना ये रिश्ता में, आपने देखा होगा मैंने उन्हें गिफ्ट किया था, एंड बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है मुझे इनकी, क्योंकि एक तो मीडियम रेंज है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा है ना, एकदम इजी टू हैंडल है ये। और इसमें दी गई है 400 वॉट की ब्रशलेस डीसी मोटर, एंड इसका सक्शन पावर बहुत अच्छा है, 25 kPa। इसका मतलब कि
छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, वो सब खींच लेगा। मैं अभी अपनी खिड़की से बाहर दिखाऊं ना आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि बंद खिड़कियों से भी बहुत सारी धूल अंदर आ जाती है। सो दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल। अच्छा ये देखिए, इसमें दी है 2000 mAh रिचार्जेबल बैटरी, बस हल्का सा बटन प्रेस करना है, निकाल लेना है और आराम से जो है चार्जर दिया है चार्ज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इसकी कि ये 60 मिनट्स तक चलती है, तो हम आराम से एक घंटे में पूरे घर की सफाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अच्छा इसका एक और फीचर मुझे बहुत पसंद आया कि इसमें ना 3 सक्शन मोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है लो, मीडियम एंड हाई, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत धूल मिट्टी नजर आ रही है वो हटानी, साफ करनी है तो लो यूज़ कर लीजिए, अगर डीप क्लीनिंग करनी है तो हाई या मीडियम, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज दी हैं अलग अलग चीज़ों को क्लीन करने के लिए, जैसे कि ये है मोटराइज्ड ब्रश है, एंड आई लव द स्विवल हैंडल, ये जो है ना ताकि जहाँ पे जो अनरीचेबल कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे आराम से पहुँच जाता है। ये 270 डिग्री जो है ये स्विवल हैंडल घूम जाता है ताकि नीचे इधर उधर जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ ये पहुँच जाए। तो ये हार्ड सर्फेसिस पे चल जाता है, जैसे कि फ्लोर वगैरह हो गया, एंड कारपेट्स पे भी बहुत अच्छा चलता है, कारपेट क्लीन करता है, एंड ये इसे बस निकाल के बहुत ईजिली निकल जाता है, अगेन आप साफ कर सकते हैं। एंड बस अगर आपने इसे गीले से साफ किया, मतलब धोया या कुछ किया, तो बिल्कुल सुखाने के बाद ही जो है इसे लगाइएगा। ये जो वैक्यूम क्लीनर है फ्रेंड्स, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए, मतलब गीली किसी जगह पे इसे यूज मत कीजिएगा। ये बहुत अच्छा मैट्रेस ब्रश दिया हुआ है, अगेन यहाँ से ये ओपन हो जाता है और इसे हम बड़े आराम से जो है क्लीन कर सकते हैं। तो मैट्रेसेस हो गए, सोफास हो गए, कुशन हो गए, आराम से इससे क्लीन किए जा सकते हैं। ये है 2-in-1 ब्रिसल ब्रश, तो जैसे हार्ड सर्फेसिस पे कोई डस्ट वगैरह आपको दिखे इससे आप खींच सकते हैं, प्लस ये आगे पीछे ऐसे हो जाता है, ऐसे आगे करके जो सॉफ्ट जगहें होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई डेकोरेटिव आइटम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपको लगे कि सॉफ्ट है उसे साफ करनी, तो आराम से इसे डस्ट सक कर लेता है। ये है लॉन्ग क्रेविस नोजल, ये जैसे मैं कहाँ इसे यूज़ करती हूँ, जैसे वो विंडोज़ होती है ना स्लाइडिंग, उसके बीच में डस्ट आ जाती है, तो उससे क्लीन करने के लिए ये कोई भी पतली जगह जो है ना सोफ़ा की साइज वगैरह पे या गद्दे के बीच में कहीं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत यूज़फुल चीज़ दी गई है, ये 2-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर को हम। ये मेटालिक स्टिक है, यानी मेटल की स्टिक है, एंड इसे अगर हम चाहें तो इसमें जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे, जैसे अगर हमें कर्टन्स को करना है या ऊपर कहीं जाले वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं हम आगे उसी तरीके का अटैचमेंट लगा के, या कोई भी जगह पे हमें लगे कि मैट्रेस है लेंथ की जरूरत है तो आप इसे अटैच कर लीजिए, अदरवाइज बिना इसके भी जो है आराम से आप इसे बस ऐसे हाथ में यूज कर सकते हैं, जो अटैचमेंट चाहिए उस हिसाब से लगा के। तो सारा डस्ट वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है वो जाएगा कहां पे, तो ये देखिए इसका बैगलेस डस्ट कलेक्टिंग बिन दिया हुआ है जो कि बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। ये देखिए जैसे डस्ट वगैरह जो भी यहां इकट्ठा हो गया, तो हमने ये इसे हल्का सा ही ऐसे ये आगे दिया हुआ है एक रेड कलर का मूव किया, एंड उसके बाद जो है ये उठ जाएगा एंड बड़े आराम से ऐसे निकल आएगा। आई जस्ट शो यू, और ये फिल्टर दिया हुआ है, इनफैक्ट एक जो है एक्स्ट्रा फिल्टर भी इसके साथ दिया है, लेकिन फ्रेंड्स सब सूखा ही जो है आप ड्राई क्लीन ही कीजिए, पोच वगैरह दीजिए इसको, लेकिन गीला मत कीजिएगा। और इसे अगर क्लीन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से पुश करके आराम से जो हम डस्ट निकाल सकते हैं, ऐसे ये खुल जाता है एंड हम डस्ट पलट सकते हैं। तो अगर आप इसे क्लीन करेंगे तो चाहे तो गीले कपड़े से अगर हल्का सा करें अंदर, तो पूरा सुखा दीजिएगा, सूखा कपड़ा मार दीजिएगा उसके बाद। तो ये जो बैगलेस डस्ट कलेक्टिंग बिन है फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी है 0.5 लीटर्स। और भी कुछ दिया है इसके साथ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए। एंड मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी बहुत सारी आसान वेज रेसिपीज, लाइफस्टाइल, मेकअप एंड हॉल। और ये रहा इसका चार्जर, बड़ी इजीली चार्ज कर सकते हैं इससे हम। एंड ये वॉल ब्रैकेट दिया है कि अगर आप इसे वॉल पे टांगना चाहें, एक्चुअली अच्छा रहता है, जगह भी बच जाती है हमारी। तो ये स्टिक करने के लिए जो है 4 इस तरीके के दिए हुए हैं, इससे हम आराम से जो है वॉल पे टांग सकते हैं। इसे गिर गया एक, ये रहा, तो इसे जो है मैंने वॉल पे नहीं टांगा है, लेकिन आप चाहें तो टांग सकते हैं आराम से इस वॉल ब्रैकेट को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स ये हर तरह की सफाई के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है, और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आई रियली लाइक अगारो प्रोडक्ट्स। माय गॉड, लुक एट द डस्ट, इतना कचरा इकट्ठा हो गया है ना, कैन यू सी। बस अब इसे हम यहाँ से खोलेंगे ऐसे, एंड ऐसे गिर गया, और अब खाली कर देंगे डस्टबिन में।
फ्रेंड्स ये 2 मिनट में क्लीन हो गया, इनफैक्ट 1 मिनट में क्लीन हो गया, एंड मैंने ये जान के इसके अंदर डाला, डस्टबिन में डाला, ये देखिए कितना सारा कचरा है हम जो हम इनहेल करते हैं मैट्रेसेस में, कुशंस में, कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए। इसलिए मैं अब दिवाली का इंतजार नहीं करूंगी, मेरी डीप क्लीनिंग तो मतलब रेगुलरली चलती रहेगी। लुक एट दिस व्हाट वी इनहेल। तो फ्रेंड्स जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद जो फर्क महसूस हो मुझे कॉमेंट्स में लिखिएगा। और अगारो सुप्रीम कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का लिंक डिटेल्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरी ये समझदारी वाली खरीदारी कैसी लगी। और इसके साथ आई विश यू ऑल दी हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।